मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बताऊंगा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। आइए ये तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखिए अच्छे तरीका से। क्वेश्चन है पहला 2691 का, दूसरा 510 और 92 का, तीसरा 336 और 54 का। तो कैसे सोल्व करिएगा, जो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक को लीजिए, क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए है 26 और 91। तो 26 को अलग फैक्टर तोड़िए और 91 को अलग तोड़िए, ठीक है। देखिए 26 को अलग फैक्टर तोड़ते हैं, 2 से 13, 13 से 1। 91 को अलग फैक्टर तोड़िए, कितना चलाएगा, 7 से 13 बार में, 63 से 91 और 13 से 1 बार में, ठीक है। अब देखिए लिख सकते हैं आप 26 को, चूंकि 26 का फैक्टर होता है कितना जी, 2 गुना 13, और 91 का फैक्टर होता है कितना, 7 गुना 13, ठीक है। ये फैक्टर हुआ। अब आपको LCM निकालना है, LCM निकालना है तो क्या करिएगा, तो LCM में आपको सबसे पहले जो भी मिलता है वो लिख दीजिए, जो भी मिलता है। सबसे पहले देखिए 13 मिलता है तो 13 को आप लिखिए, ठीक है। और जो न भी मिलेगा बताइए, 7 नहीं मिलता है तो 7 भी लिखाएगा, 2 नहीं मिलता है 2 भी लिखाएगा, तो आप गुना करके लिखिए कितना होगा, 63 से 91 और 91 दूनी के कितना होता है, 182, है ना, 182 होता है, ठीक है जी। तो इसका LCM कितना हो गया, 182। HCF निकालिए, HCF, तो HCF में जो मिलता है बताइए, सबसे पहले तो ये दोनों में कितना मिलता है, 13 मिलता है, तो HCF में जो मिलेगा वही होता है। तो बताइए यहाँ पे आपका HCF 13 हो गया और LCM 182, ठीक है। चलिए अब यहां से आप जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच। अब आपको जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF अगुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल कितना है, एक आपको दिया हुआ था 26, एक आपका दिया हुआ है 26, देखिए एक आपका दिया हुआ है 26 और दूसरा 91। तो दो संख्या का गुणनफल 26 और दूसरा दिया हुआ है 91, और LCM HCF कितना निकाले, तो HCF आपका निकल गया 13 अगुना LCM 182। तो गुना करिए, 26 गुना 91 आप करिएगा, 26 और गुना 91 आप करिएगा तो आपको कितना आएगा जी, तो आ जाएगा आपको 2366, कितना, 2366 आप गुना कर सकते हैं, और 13 गुना 182 भी करिएगा तो आपको आएगा 2366। तो क्या आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, ये जांच हो गया कि दोनों तरफ दो संख्या का गुणनफल और HCF गुना LCM बराबर होता है, तो इसी तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 डील हो गया, यानी खत्म हो गया। दूसरे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखिए, ठीक है, प्रश्न संख्या 2 को अच्छे ढंग से देखिए। चलिए प्रश्न संख्या आपका 2 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 510 और 92। तो देखिए यहां पे 510 को फैक्टर तोड़िए, 510 को अलग से तोड़ना है फैक्टर, 510 को फैक्टर तोड़िए तो कितना से लगेगा, 2 से, तो 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा 255। फिर यहां से आपको लगेगा 3 से तो 8 के 24 85 हो जाएगा, फिर आप लगाइएगा 5 से तो कितना हो जाएगा 17, फिर 17 से लगाइएगा तो हो जाएगा
एक। अब 92 को फैक्टर तोड़िए, ठीक है, 92 को तो कितना से 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा जी, 4 दुनी के 8 और 6 दुनी के 12 46। उसके बाद यहां पे देखिए 2 से लगाइए 23 हो जाएगा, फिर यहां पे 23 से लगेगा और 1 हो जाएगा। लिख सकते हैं आप यहां पे, चूंकि 510 का फैक्टर कितना होता है, 2 × 3 × 5 × 17। और यहां पे लिख सकते हैं आप, चूंकि 92 का फैक्टर कितना होता है, 2 × 2 × 23 ये होता है। अब यहां से एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, एलसीएम बराबर, तो एलसीएम में सबसे पहले मिलाइएगा दोनों में, ठीक है। एलसीएम में कौन मिलता है बताइए, सबसे पहले आपको मिलता है 2, एक 2 मिलता है दोनों में, एक 2 और एक 2, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, तो कुछ भी नहीं मिलता है, तो आपको लिखना पड़ेगा सब को, ठीक है ना। देखिए एगो 2 इसमें बच गया तो 2 के लिख दीजिए, ठीक है। 23 बच गया तो 23 के लिख दीजिए, ठीक है। 5 बच गया तो 5 के लिख दीजिए, और 17 बच गया तो 17 के लिख दीजिए। यानी मिलला के बाद भी एलसीएम में बचेगा उसको भी आप लिख दीजिएगा। तो आप 2 × 2 × 23 × 5 × 17 करिएगा तो आपको आएगा 23460, 23460। और एचसीएफ निकालिए यहाँ पे कितना होगा आपका, एचसीएफ, एचसीएफ में आपका यही रूल है कि जो दोनों में मिलना चाहिए। तो बताइए ये दोनों में क्या मिलता है, तो ये दोनों में 2 मिलता है, खाली एगो 2 मिलता है, तो एचसीएफ यहाँ पे इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे जांच करिए, ठीक है, जांच करना है आपको, तो जांच में क्या लिखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर, देखिए 2 संख्याओं के, 2 संख्याओं के गुणनफल बराबर, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ, एचसीएफ और गुना एलसीएम। तो 2 संख्या कितना दे लेता, 510 और 92, 2 संख्या कितना दिया हुआ, 510 और 92, तो लिखिए यहां पे 510 गुना 92, ठीक है। ये आप अच्छा से गुना भी कर लीजिएगा। और एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना है 2, और एलसीएम 23460 ये निकला। अब गुना करिएगा 510 गुना 92 तो आपका कितना आ जाएगा, तो बताइए ये आपका कितना आएगा जी, तो ये आपका आ जाएगा आपका 46920। इसको भी गुना करिएगा तो देखिए 3 दुनी का 46 हो जाता है और 4 दुनी का 8, ये भी हो जाएगा कितना 46920। यानी दोनों तरफ आपका क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जांच हो गया, ये ही इसका सत्यापन हो गया, ये आंसर हो गया। तो ऐसे बनाइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखिएगा, ठीक है, बहुत ही, आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया हुआ है, 336 और 54, 336 और 54, 336 को अलग फैक्टर तोड़िए, 336 को अलग फैक्टर तोड़िए, कितना से लगाइएगा, 2 से, 2 से लगाइएगा तो हो जाएगा कितना जी, 168। फिर 2 से लगाइएगा, लगाइए 2 से तो कितना हो जाएगा, 84। फिर 2 से लगाइए तो हो जाएगा 4 × 2 = 42। फिर 2 से लगाइएगा हो जाएगा कितना, 21। फिर कितना से जाएगा, 3 से 7, फिर 7 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका फैक्टर टूट गया, 54 के तोड़िए, ठीक है ना। चलिए 54 का, 54 के तोड़िए, 2 से 27, 3 से 9, 3 से 3, 3 से 1, ठीक है। फैक्टर आप अच्छे से तोड़ दिए। अब आपको सबसे पहले इसका लिखना फैक्टर, कि चूंकि 336 का फैक्टर कितना दिया हुआ है, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7, ये आप फैक्टर लिख दिए, ठीक है। 4 गो इसका 2 है, एगो 3 है, एगो 7 है,
चूंकि ये 54 का फैक्टर लिखिए, 54 का फैक्टर कितना होगा, 2 × 3 × 3 × 3 इतना लिख दिए, ठीक है, दोनों को फैक्टर तोड़ के आप लिख दिए। अब इसका एलसीएम निकालिए, क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम में आपको मैं बताया हूं कि एलसीएम आप कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपको के गो दून मिलता है, एक गो दून मिलता है, सबसे पहले मिलेगा जो लिखिएगा, तो दून लिख दिए, ठीक है। उसके बाद तीन मिलता है एक, तो एक तीन लिख दीजिए, ठीक है, तो तीन लिख दिए। अब आप एक दो को लिख दिए और यहाँ पे भी एक दो को लिख दिए, ठीक है ना, एक तीन को लिख दिए, एक तीन को लिख दिए। अब आपको बचा क्या, तो बच गया आपको दो गो तीन, बच गया एगो और दो गो, तो तीन को लिखिए, ठीक है, जो बच जाएगा उसको भी आपको लिखना है एलसीएम में, तो दो तीन लिख दिए। आपको भी बच गया एगो दो गो तीन गो, दो बच गया एगो दो गो और तीन गो, और एक लास्ट में आपको सात बच गया, ठीक है, क्या बच गया, सात बच गया। अब सभी को आप गुना करिएगा, तो गुना करके आपको कितना आएगा जी बताइए, तो गुना करके आपको आता है, ये पूरे को गुना करिएगा तो 3024 आता है, ठीक है ना जी, 3024 आप गुना अच्छे से करिएगा तो आपको कितना आएगा, 3024 पूरे गुना करिएगा तो तीन दुनी के छो, ठीक है, छोतिया 18 और 18 का गुना करिएगा तीन से, तो 54 और 54 से भी गुना करिएगा दो में, फिर उससे दो में, फिर उससे दो में, फिर सात से करिएगा, तो आपका 3024 आएगा। अब यहाँ पे आपको निकालना है क्या, HCF निकालना है, ठीक है, HCF। तो HCF में सबसे पहले मिलाइए, कितना मिला बताइए, एक आपको दो मिल गया तो दो लिखेंगे, एक आपको तीन मिल गया तो तीन लिखेंगे, तो HCF में जो मिलता है वही गुना करके आंसर होता है, तो तीन दुनी के छह। तो LCM और HCF आप निकाल लिए, तो आप जांच कीजिए अब, ठीक है, जांच देखिए यहाँ पे जांच करते हैं, ठीक है, जांच दो संख्याओं के गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, HCF गुना LCM, दो संख्या कितना दिया है, एक संख्या आपका दिया हुआ है 336 और 54 देखिए, तो 336 अगुना 54 अब बराबर HCF कितना है 6 अगुना ये 3024। अब गुना आप करिए, तो गुना करिएगा तो आपको आएगा 18000, ठीक है, कितना आएगा 18144, ठीक है ना जी, 18100 कितना 44। और इसका भी गुना करिएगा आप, तो 6 से गुना करिएगा 3024 में, तो इसका भी आएगा 18144, तो ये सत्यापन हो गया, ठीक है ना, ये क्या हो गया, सत्यापन हो गया। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।